सॉरी सन आज तो हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि आज तो मेरा गाड़ी सर्विस सेंटर में दिया हुआ है बेटे बेटे पापा सर्विस सर्विस सेंटर सेंटर मतलब you, सेंटर का मतलब सेयू का होता है जहां हम गाड़ी अपना ठीक करने देते उस जगह को क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर ओ पापा वहां पे क्या होता है सर्विस सेंटर में बेटा सर्विस सेंटर में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो हमारे गाड़ी को ठीक करके देते हैं ओ पापा तो अगर सर्विस सेंटर नहीं होता तो हमारा गाड़ी ठीक भी नहीं होता यस डॉक्टर बट अगर सर्विस सेंटर नहीं रहता अगर इंडस्ट्री वगैरह नहीं रहता तो गाड़ी बनता भी कहाँ पे आ, पापा इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है पापा बेटा इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे गाड़ी वगैरह बनता है कोई मशीन बनता है जहाँ कपड़ा बनता है जहाँ पे कोई भी चीज बनता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्री ओ पापा तब अगर इंडस्ट्री नहीं रहता तो हम लोग तो मतलब सोच ही नहीं सकते कैसा होता हम लोग का लाइफ इंटेलिजेंट yes, और भी बहुत सारे फायदे है इंडस्ट्री होने का जैसे पापा क्या क्या फायदे जो इंडस्ट्री रहता है ना लोग रहते हैं जो काम करते हैं तो इससे क्या होता है बहुत लोगों को जॉब भी मिलता है और हमारा लाइफ तो आसान होता ही उससे अच्छा पापा सही बोले आपका हाँ मतलब हम लोग को ज्यादा किस में देना चाहिए इंडस्ट्री को बढ़ाने में देना चाहिए यू बोथ माई सन एंड डॉटर सो मच इंटेलिजेंट ई होप यू इंजॉयड वीडियो सो नाउ विल स्टार्ट आवर टॉपिक topic टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर manufacturing industry इंडस्ट्री बट बिफोर दैट आई to टू डू revision ऑफ a टॉपिक दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन economy हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे उससे पहले एक टॉपिक है उसको हम लोग revision करेंगे जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन ये देखिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन economy मतलब क्या होता है इंडिया में जितने भी काम चल रहे जिससे economy चल रहा है मतलब पैसा आ रहा है जितने भी काम चल रहा है उसको हम लोग तीन ग्रुप में बांट सकते हैं जिसको बोलते हैं तीन सेक्टर्स थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ठीक है तो देखिए पहला जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर दूसरा बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा बोलते हैं सर्विस सेक्टर तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का मतलब क्या होता है कोई भी काम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो खेती से रिलेटेड हो कोई भी काम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो उसको हम लोग किस में डालेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में दूसरा सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या होता है कोई भी काम जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो जो इंडस्ट्री में जो काम चलता हो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब गाड़ी का बनना जैसे आप कॉटन लेके आए एग्रीकल्चरल सेक्टर से कॉटन लेके आए इंडस्ट्री में कोई फैक्ट्री में लेके आए उससे आप कपड़ा बनाए तो ये कपड़ा जहाँ पे बना वो सेक्टर किस में आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में अब गाड़ी बना रहे गाड़ी का पार्ट्स बना रहे ये सब सेक्टर किस में आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में सो नाउ वी विल मूव टू टावर थर्ड सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर मतलब क्या होता है कोई भी चीज जो आपको सर्विस दे जैसे एक टीचर है एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है अपना सर्विस दे रहा है आपको कोई भी एक गाड़ी है जिसमें सामान लेके जा रहा है कोई भी ट्रक है उसमें गुड्स कैरी कर रहा है तो वो ट्रक क्या कर रहा है सर्विस दे रहा है आपका काम को आसान कर रहा है तो तीन सेक्टर हुआ पहला हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा हुआ सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और थर्ड जो सेक्टर था जो सर्विस देता है उसको क्या बोलते हैं सर्विस सेक्टर सो आई होप गाइस ये तीनों सेक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा सो वी विल स्टार्ट टॉपिक दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो दो टर्म से बना हुआ इसी दो टर्म को हम लोग पहले समझेंगे पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा इंडस्ट्री इंडस्ट्री मतलब क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो दूसरा सेक्टर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था उसी से रिलेटेड है ये दोनों टर्म उसी से रिलेटेड तो देखिए पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होगा इंडस्ट्री में होगा ये तो समझ गए होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल मतलब कच्चा चीज कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बना उसको लेके आए हम इंडस्ट्री में उसको भी फिर वैल्यू एडिशन उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन किया और उसको हम लोग एक प्रोडक्ट बनाए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कॉटन कॉटन को लेकर आए इंडस्ट्री में उससे कॉटन का कपड़ा बनाए कॉटन का कपड़ा जो बनाए वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हुआ कहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है कोई भी रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना रॉ मटेरियल लाए उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए उसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और कहां पे होता है इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो समझ में आ गया होगा दोनों टर्म तो देखिए जो चैप्टर है इसका मतलब पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में यही चीज दिया हुआ उसके बाद एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है उसको समझिए देखिए हमारा जो तीन सेक्टर है पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट नहीं देता है ज्यादा जॉब नहीं देता है कैसे क्योंकि एक फील्ड है उसमें जितना प्रोडक्शन देना होगा उतना ही देगा वहां पे चाहे 20 आदमी काम करे 30 आदमी काम करे या 40 आदमी काम करे तो जितना प्रोडक्शन देना है उतना ही दे पाएगा और जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी बहुत कम जॉब मतलब जॉब प्रोडक्शन होता है किस तरह से एक टीचर है फॉर एग्जांपल एक टीचर कहीं पे 2000 बच्चा पढ़ा रहा है 3000 बच्चा पढ़ा रहा है तो एक ही ना इंप्लायमेंट जनरेशन हो रहा है एक ही टीचर है एक ही टीचर इंप्लॉयड हो रहा है एक ही टीचर काम कर रहा है बस और स्टूडेंट तो कोई काम नहीं कर रहा तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं से देता है तो अगर हम लोग को अपना इकोनॉमी को ग्रो करना है हमारा देश के इकोनॉमी को बढ़ाना है जी को बढ़ाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन करता है सर्विस सेक्टर तो बहुत कम करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत कम करता है तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश का जीडीपी बढ़े बहुत आगे जाए हम लोग हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री में हम लोग डेवलप्ड कंट्री बने तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करना होगा सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा होगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल